दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के रिसर्च का शेयर है अडानी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड। इसके फाइनेंशियल ईयर 2024 के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद में मैंने एक रिसर्च की, उस रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिए, हो सकता है वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। दोस्तों अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में आप सब लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं, ये काफ़ी चर्चा में भी रहता है और इसके शेयर में ढेर सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो किया ही है। अडानी पोर्ट का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, ये कार्गो हैंडलिंग का काम करते हैं और भी वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं। दोस्तों इनके पास मुंद्रा पोर्ट है और एक पोर्ट और इन्होंने परचेस किया है। दोस्तों इनका इनका बिजनेस पहले से हर दिन बढ़ता ही रहता है, चूँकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम तो पूरी दुनिया में बढ़ा हुआ है और भारत में खासकर ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। तो इनके बिजनेस मॉडल में कहीं कोई खामी दिखती नहीं है। इनका बिजनेस मॉडल कार्गो हैंडलिंग का है, कंटेनर हैंडलिंग का, ये चलता ही रहेगा। और इसमें मुझे नहीं लगता है जब तक कोई वैसी स्थिति हो, आपदा कोई आवे या फिर कोई युद्ध हो, तभी जाके इस पर कोई फर्क पड़ने वाला है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल वेदर में ये इनका बिजनेस चलता रहेगा और डे बाई डे इनकी कार्गो हैंडलिंग बढ़ती रहेगी। और ये बहुत एग्रेसिव तरीके से एक्विजिशन के मूड में भी रहते हैं। जब भी इनको लगता है तो कोई ना कोई पोर्ट खरीदने के मूड में, प्राइवेट पोर्ट खरीदने के मूड में हमेशा रहते हैं। दोस्तों इनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, जैसा मैंने बताया इनकी कार्गो हैंडलिंग डे बाई डे बढ़ रही है। हर क्वार्टर में कार्गो हैंडलिंग जो है पहले से बढ़ी हुई दिखती है। तो कार्गो हैंडलिंग बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो शेयर कंपनी को फ़ायदा होगा, कंपनी को फ़ायदा होगा तो बढ़ने चल है, इन्वेस्टर को भी फायदा होगा। पिछले 5 सालों के रिवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें दोस्तों, तो 2020 में 11,873 करोड़ का रिवेन्यू था, 3,788 करोड़ का प्रॉफिट था। 2021 में 12,549 करोड़ का रिवेन्यू था, 5,063 करोड़ का प्रॉफिट था। 2022 की बात करें तो 15,934 करोड़ का रिवेन्यू था और 4,602 करोड़ का प्रॉफिट था। 2023 की अगर बात करें तो 20,851 करोड़ का रिवेन्यू था, 5,344 करोड़ का प्रॉफिट था। 2024 की अगर बात करें तो 26,710 करोड़ का रिवेन्यू था और 8,265 करोड़ का प्रॉफिट था। दोस्तों 2020 से 2024 हर साल रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है और पिछले 2 सालों में तो रिवेन्यू कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ, कार्गो हैंडलिंग ज़्यादा बढ़ी हुई है, रिवेन्यू ज़्यादा आया हुआ और प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ है। अब देखिए 2022 से अगर जोड़ें तो 16,000 से 20,000, 21,000 के आसपास रिवेन्यू, फिर लगभग 21,000 से 27,000 के आसपास रिवेन्यू। तो पिछले 2 सालों में रिवेन्यू काफ़ी बढ़ी हुई है और प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है। EPS की बात करें तो EPS भी इन 2 सालों में पहले से ज़्यादा बढ़ा हुआ है और 2024 का रिजल्ट 2023 के रिजल्ट से बहुत बेहतर दिख रहा है। दोस्तों डेट टू इक्विटी भी आप देखो 0.87 है, जो पिछले साल से कम है। तो 2023 के मुकाबले 2024 का रिजल्ट अच्छा है और इस रिजल्ट के आधार पे शेयर मार्केट ने रिजल्ट आने के बाद में शेयर को रिवार्ड भी दिया है और शेयर बढ़ा भी है। दोस्तों एक साल की अगर बात करें तो एक साल में शेयर प्राइस लगभग डबल हो गया, लेकिन इस शेयर में पोटेंशियल बहुत बाकी है, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है। आने वाले टाइम पे ऐसी संभावना है, या मेरा आप कहें मेरा ये अनुमान है कि अगले 4 सालों में तो ये डबल हो सकता है, इतनी पोटेंशियल है इस शेयर में। चलिए दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं। जून 2023 में 6,247 करोड़ का रिवेन्यू था, 2,194 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर की बात करें तो 6,646 करोड़ का रिवेन्यू था, 1,715 करोड़ का प्रॉफिट था। दिसंबर 2023 क्वार्टर की बात करें तो 6,920 करोड़ का रिवेन्यू था, जो 2,305 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 2024 क्वार्टर की बात करें तो 6,896 करोड़ का रिवेन्यू था और 2,049 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 2023 की बात करें तो 5,796 करोड़ का रिवेन्यू था, 1,133 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 23 क्वार्टर के रिजल्ट से मार्च 24 का रिजल्ट बहुत ही शानदार है, रिवेन्यू के फ्रंट पे भी और प्रॉफिट के फ्रंट पे। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 का रिजल्ट 2023 के रिजल्ट से बहुत बेहतर है। मार्च 23 क्वार्टर का रिजल्ट मार्च 24 क्वार्टर के रिजल्ट से कमज़ोर है, यानी मार्च 24 का क्वार्टर का रिजल्ट
मार्च 23 के क्वार्टर से बहुत शानदार है। तो दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट शानदार हुए, फाइनेंशियल ईयर शानदार, ये फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट 2024 के शानदार हैं। कंपनी एक साल में लगभग डबल हो चुकी है और आगे भी जो हर महीने के कार्गो हैंडलिंग के रिजल्ट्स आते हैं या डाटा आते हैं उसमें भी सुनने में यही आ रहा है कि हर महीने कार्गो हैंडलिंग बढ़ रही है। कार्गो हैंडलिंग बढ़ेंगे, रिवेन्यू बढ़ेगा, रिवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। कंपनी में बने रहने की ज़रूरत है, कंपनी मल्टी बैगर साबित हो चुकी है और मल्टी बैगर साबित होने वाली है आगे भी। मुझे नहीं लगता है कि इसको इसमें कोई बाधा आएगी जब तक कि कोई वैसी बात ना आ जाए, युद्ध या फिर प्राकृतिक आपदा। दोस्तों FIs के शेयर 14.98% है, DIs के शेयर 11.84% है, पब्लिक का शेयर 7.3% है, प्रमोटर्स के शेयर 65.89% है, डेप्ट टू इक्विटी 0.87 है, रिजर्व और सरप्लस 52,346 करोड़ का है, जबकि कंपनी पे कर्ज 49,167 करोड़ का है। फेस वैल्यू 2 रुपये है, बुक वैल्यू 148.37 रुपये है, 52 वीक लो जो है 703 रुपये है, 52 वीक हाई 1621 रुपये है, 1621.40 रुपये है। शेयर का प्राइस 27 जून 2024 को 1485.50 रुपये है। स्टॉक का पी 39.56 है, सेक्टर पी 165.03 है, डिविडेंड यील्ड 0.4% है। दोस्तों ब्रोकरेज हाउस में मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि मोतीलाल ओसवाल ने रिकमेंडेशन दी है 23 अप्रैल 2024 को कि इसके टारगेट प्राइस के बारे में बताया कि 1590 रुपये तक जा सकता है और रिकमेंडेड प्राइस उन्होंने दी है 1322.30 रुपये। दोस्तों कंपनी में पोटेंशियल ज़्यादा है, कंपनी ये टारगेट तो अचीव कर ही सकती है, इसमें कोई दो राय है मुझे लगती नहीं है। कंपनी हो सकता है कि 4 साल में, 4 साल या 5 साल, 5 साल में तो डबल कर ही देगी अपने ये शेयर का प्राइस, तो डबल कर अपने रिजल्ट से इतना प्रभावित करेगी कि शेयर मार्केट उसको रिवार्ड दे के इसको डबल कर ही देगा, और 4 साल में नहीं करेगा तो 5 साल में तो डबल होने वाला है। दोस्तों शेयर में बने रहने की ज़रूरत है, अगर इस शेयर और डिप पे शेयर को खरीदने की भी ज़रूरत है। दोस्तों ये कि ये इन्फॉर्मेशन वीडियो था, वीडियो में बताए गए रिसर्च के आधार पे शेयर न खरीदें न शेयर बेचें, अपनी खुद की रिसर्च करें और उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उसके कहने पे ही शेयर खरीदें और बेचें। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन नहीं किया तो बेल आइकन ऑन करें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो देख के आप कुछ फ़ायदा उठा सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।